जामा मस्जिद शहर अध्यक्ष की एक बार फिर हुई वक्फ बोर्ड में शिकायत। अध्यक्ष के मनमाने रवैये के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में पनप रहा आक्रोश। मस्जिद निर्माण भ्रष्टाचार सहित अन्य वित्तीय अनियमितताएं आई सामने। आय व्यय का समाज को नहीं दिया हिसाब। जामा मस्जिद कमेटी शहर गुना अध्यक्ष के तानाशाह और मनमाने रवैये के खिलाफ विगत दिवस में एक बार फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल को की गई है। इस बार शिकायतकर्ता खुलकर सामने आए हैं, तो ऐसे में देखते हैं कि वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करेंगे या फिर यही रवैया अपनाया जाएगा। दरअसल मामले ये हैं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल में की गई शिकायत में सानी इस्लाम राइन पूर्व अध्यक्ष जिला वक्फ कमेटी गुना ने बताया कि मस्जिद कमेटी के शहर अध्यक्ष हाजी सैयद इसरार हुसैन द्वारा करीब 10 साल से मस्जिद को आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया, जिससे समाज में आक्रोश पनपता जा रहा है। शिकायतकर्ता राइन ने बताया कि मस्जिद निर्माण में भी उन्होंने भारी वित्तीय अनियमितताएं की हैं। समाज के लोगों के द्वारा पूर्व में भी वक्फ बोर्ड की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। इस बार समाज ने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है कि बोर्ड के लोग इसरार हुसैन से मिले हुए हैं, जिसके चलते उन्हें बार बार रिपीट किया जा रहा है। जबकि जामा मस्जिद कमेटी शहर गुना के सदर हाजी सैयद इसरार हुसैन के द्वारा जामा मस्जिद में भारी वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। अध्यक्ष पर वक्फ बोर्ड भोपाल में अभी तक 2,35,000 से अधिक निगरानी चंदा बकाया के रूप में निकल रहा है। इनके द्वारा समिति की बगैर सहमति और बिना बैठक किए ही करोड़ों रुपए प्रस्ताव पास कर निर्माण कार्य पर राशि व्यय कर दी गई है। इस तरह सदर इसरार हुसैन द्वारा समिति की बैठक के बगैर ही कई सदस्यों को हटा दिया गया है, जो वक्फ बोर्ड नियमों के विपरीत है। पूर्व में मुस्लिम समाज द्वारा की गई शिकायतों पर कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर तहसीलदार द्वारा कराई गई थी, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे स्थिति में मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड भोपाल से मांग की है कि अध्यक्ष जामा मस्जिद कमेटी के दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए इसरार हुसैन वक्फ बोर्ड को गुमराह कर रहे हैं। अध्यक्ष द्वारा वर्षों से समाज के वरिष्ठ जनों को साथ लेकर नहीं चलने और समाज के प्रति अव्यवहार के खिलाफ शहर की मुस्लिम समाज में भारी रोष व्याप्त है। इनका कहना है कि विगत दिवस मामला मेरे संज्ञान में आया है। वर्तमान में बोर्ड के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव संपन्न होते ही जामा मस्जिद शहर अध्यक्ष द्वारा प्रकरण में जो भी वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, मैं विधिवत जाँच कराकर कार्यवाही करूँगा।